subscribe to our channel and press the bell icon. प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सर अब्दुल सत्तार खान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 10th हिंदी लोकवाणी कविता 6 ऐसा भी होता है, इसके प्रश्न उत्तर और स्वाध्याय करेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। प्रश्न पहला है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए, पद्य में आए प्राकृतिक घटक लिखिए, यानी प्राकृतिक घटक के नाम लिखना है। पहला है मेघ, दूसरा है रवि, तीसरा है किरण, चौथा है धारा और पांचवा है गगन। उचित शब्द लिखिए, सहम कर कांपने वाली, घोंसला उजड़ने पर रोने वाला, सुख दुख बांटने वाला, वृद्ध आश्रम से चिट्ठी भेजने वाली। किरण शब्द की दो विशेषताएं लिखिए। पहले का उत्तर है कच्ची दीवार, दूसरा है पखेरू, तीसरा है डाकिया और चौथा है मैया। किरण शब्द की विशेषताएं, पहला है निर्मल किरण, दूसरा है थकी हारी किरण। आकृति में दिए गए वाक्य का काल पहचान कर निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए, यानी काल परिवर्तन करना है। पहले गांव वाले भी खूब परिश्रम कर रहे थे, इसका काल लिखना है, और बाकी सबके आपने गांव वाले भी खूब परिश्रम कर रहे थे इसे बदलना है। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भूतकाल। उसके बाद उपयोजित लेखन है मेरा प्रिय त्यौहार, इस पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखना है। भाषा बिंदु का पहला है गांव वाले भी खूब परिश्रम कर रहे थे, यह अपूर्ण भूतकाल है। सामान्य वर्तमान काल क्या बनेगा? गांव वाले भी खूब परिश्रम करते हैं। सामान्य भविष्यकाल, गांव वाले भी खूब परिश्रम करेंगे। अपूर्ण भविष्यकाल, गांव वाले भी खूब परिश्रम करते रहेंगे। पूर्ण वर्तमान काल, गांव वालों ने भी खूब परिश्रम किया है। सामान्य भूतकाल, गांव वालों ने भी खूब परिश्रम किया। अपूर्ण वर्तमान काल, गांव वाले भी खूब परिश्रम कर रहे हैं। पूर्ण भविष्यकाल, गांव वाले भी खूब परिश्रम कर चुकेंगे। और पूर्ण भूतकाल, गांव वालों ने भी खूब परिश्रम किया था। मेरा प्रिय त्यौहार, हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, उनमें से रक्षाबंधन मेरा प्रिय त्यौहार है। रक्षाबंधन हमारे देश का अति प्रिय और पवित्र त्यौहार है। यह हर साल सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस त्यौहार के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार इसी दिन देवराज इंद्र की पत्नी शची ने सभी देवताओं को रक्षा सूत्र बांधा था। इस एकता के बल पर देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। एक अन्य कथा के अनुसार श्रावणी पूर्णिमा के दिन ऋषि मुनि अपनी साधना की पूर्ण आहुति करते थे। इस अवसर पर वे राजाओं की कलाई में राखी बांधकर उन्हें आशीर्वाद देते थे। इसी दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि का घमंड चूर चूर कर दिया था। इसीलिए गुजरात में रक्षाबंधन के पर्व को बलेव कहते हैं। महाराष्ट्र में ये पर्व नारियल पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन का स्नेह व्यक्त होता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। वह अपने भाई के मंगल की कामना करती है। भाई प्यार से बहन को कुछ उपहार देता है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन बचपन की यादों में खो जाते हैं। इस दिन घर घर में खुशी का वातावरण होता है। आज समय बदल गया है, राखियां में भी व्यावसायिकता आ गई है। धन कमाने के लिए एक से बढ़कर एक कीमती राखियां बनाई जाती है। रक्षाबंधन के त्यौहार में स्नेह और रक्षा करने की भावना का महत्व है, ना कि कीमती राखियों का। रक्षाबंधन पारिवारिक एवं सामाजिक एकता का सुंदर एवं पवित्र पर्व है। स्कूल, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।